सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। कुणाल ठाकुर, जिनकी हाल ही में हुई कसौटी जिंदगी के 2 में एंट्री, उन्होंने की हमसे खास बात और यहाँ हमने जाना उनसे उनके कैरेक्टर और शो के बारे में। कसौटी में आपकी एंट्री को लेकर क्या कहेंगे? मैं बचपन में ये शो देखता था एंड आई फील सुपर नॉस्टैल्जिक कि मैं एक्चुअली इस शो का एक हिस्सा हूँ अब। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट इवन फॉर अ सिंगल सेकंड। 3.5 साल बॉम्बे में रह के कुछ प्रोजेक्ट्स किए मैंने। कबीर सिंह मेरी लास्ट फिल्म थी। इट्स ऑल बीन गुड एंड नाउ मुझे सांस लेने तक का टाइम नहीं था, ये डिसाइड करने का टाइम नहीं था कि मैं एक टीवी शो करूँगा कि नहीं, बट आई वॉज ऑलवेज ओपन टू टीवी शोज एंड कसौटी हैपेंड एंड इट कुडंट हैव बीन बेटर देन दिस। बहुत मेमोरीज भी जुड़ी हैं मेरे बचपन से इस शो को लेकर, इस शो को दिमाग में रखते हुए। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन डूइंग द शो। आई एम प्लेइंग कौशिक इन द शो। आई एम अनुराग भांजा, उनकी सबसे बड़ी बहन राखी का बेटा हूँ मैं। और मेरा कैरेक्टर बहुत ही प्लेफुल, फ्लर्टेशियस, वेरी रिस्पेक्टफुल भी है, बट ही इज़ यंग, ही इज़ वाइब्रेंट, एक्सप्लोर करना चाहता है। वो टाइम के मामले में तो बहुत ही लेट बैक है। लाइक अनुराग इज ऑलवेज नोन फॉर हिज टाइम मैनेजमेंट एंड टरा ऑन टाइम, दिस ऑन टाइम, दैट ऑन टाइम, एंड इज वेरी यू नो सोबर एंड सॉर्टेड। उतना ही मैं नहीं हूँ, आई एम दी ऑपोजिट ऑफ अनुराग एक्चुअली। कास्ट के साथ बॉन्ड कैसा है? द होल क्रू, द होल कास्ट, प्रोडक्शन, डायरेक्शन टीम, स्पॉट दादा, एवरी माई को एक्टर्स, एवरी वन इज सो सपोर्टिव। ये मेरा पहला टीवी शो है तो एक्सपीरियंस अलग ही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बैक टू बैक चल रहा है, लाइक 10 दिन से तो मैं बैक टू बैक शूट कर ही जा रहा था और उन हर एक दिन में मैंने इतना कुछ सीखा है कि जब जब मेरे पास अकेला टाइम मिलता है मुझे, तो इन दैट टाइम मैं बैठ के सोचता हूँ कि क्या मैंने सीखा है, क्या नहीं सीखा है, ग्रैस्प ऑल ऑफ इट, एंड आई एम क्लोजर, मच मच क्लोजर टू व्हाट कौशिक रियली इज। And living it every day makes it even more fun and even more interesting because मैं अपना खुद का भी कुछ add कर पाता हूँ। Bollywood to TV का shift कैसे? Why not? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। The thing is, हम शुक्र है कि हम ऐसे time में हैं industry में जहाँ TV, web, films साथ साथ चल रही हैं, साथ ही साथ सारे actors जो in separate platforms को belong करते हैं या primarily in platforms में होते हैं, वो cross culture हो रहा है। अब टीवी के एक्टर्स वेब भी कर रहे हैं, वेब वाले एक्टर्स टीवी कर रहे हैं, फिल्म वाले एक्टर्स टीवी कर रहे हैं, टीवी वाले एक्टर्स वेब भी कर रहे हैं। सो शॉर्ट फिल्म भी बड़ी बन रही, म्यूजिक वीडियोज़ कितने बन रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं ऐसे टाइम का हिस्सा हूँ जहाँ चेंज आ गया है। परिवर्तन आना तो चेंजेस भी होनी कॉन्स्टेंट, तो वो तो आना ही था एक टाइम पर। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड जैसे पहले कहते थे ना, एक टैबू होता था कि जब कोई बंदा अगर विलेन बन गया है तो फिर वो विलेन ही बना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज की तारीख में हीरो भी बन गया था। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अब ऐसा हो रहा है। अपकमिंग ट्रैक के बारे में कुछ बताइए। अभी अगर आप शो देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये कि कुकी एक्चुअली मुझे पुलिस स्टेशन ले जाती है बिकॉज उसे लगा है कि मैंने किसी लड़की को छेड़ा है, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं। मैं एक्चुअली दूर रहना चाह रहा था सबसे, तो उसे ये कन्फ्यूजन हो गया और वो लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। तो उस वजह से जो बैंटर हुआ है मेरा और कुकी का पुलिस स्टेशन में, दैट इज़ बिन रियली फन। द ऑडियंस इज ऑल्सो लविंग इट। हमें फैंस के मैसेजेस भी आ रहे हैं पोस्ट पे पोस्ट, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो सब भी हो रहा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो सब भी हो रहा है। साइमल्टेनियसली आपको शो देखना पड़ेगा, तभी आपको और ज़्यादा पता चलेगा। ब्रेक टाइम में क्या मस्ती होती है सेट पे? नहीं, मुझे 11-12-13-14 दिन हुए ऑलमोस्ट शूट करते हुए बैक टू बैक, तो मुझे एक्चुअली म्यूज़िक का टाइम नहीं मिल पाया। आई एम स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, डायरेक्टर हो गए, स्पॉट दादा हो गए, कॉफ़ी बनाना हो गया, ये हो गया, तो मैं अभी भी चीज़ें सेट पे समझ रहा हूँ, तो म्यूज़िक का एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। म्यूज़िक मैं तब सुनता हूँ जब मैं वापस जा रहा होता हूँ घर, दैट इज़ ओनली इफ़, वरना मैं वो उस दिन में जो हमारा शूट हुआ है किस तरह से हुआ है, डायलॉग डिलीवरी किस तरह से हुई है, क्या मूड था उस सीन का, उन सब चीज़ों को दोबारा एक्चुअली मैं रिलीव करता हुआ जाता हूँ ताकि ये मैं ऐसे सिमिलर सिचुएशन में और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। अभी वो वाला स्पेस चल रहा है मेरा, मैं उतना लेट बैक हुआ नहीं हूँ। पार्थ इज़ अमेजिंग, एरिका इज़ अमेजिंग। एरिका के साथ मेरे इतने कोई सीन्स नहीं हुए, बट शी ऑल्सो हैज़ अ ब्रदर इन द मिडल ईस्ट एंड वी हैड अ मिडल ईस्ट कॉन्वर्सेशन, बिकॉज मैं पैदा पहला बड़ा अबू धाबी में हूँ और बिफोर बिकमिंग एन एक्टर मैं मीडिया बाइंग और प्लानिंग करता था एक एजेंसी के साथ दुबई में फॉर लाइक 7 ईयर्स। तो
इवन शुभवी जी हैं, उनके साथ भी मिडिल ईस्टर्न कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी हुई, तो आई एम बॉन्डिंग वेरी वेल विद एवरीवन। पार्थ के साथ जो अनु प्ले करते हैं, अनु के साथ भी मेरा बॉन्ड बहुत ही प्लेफुल और बहुत ही अच्छा है। लाइक हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं लोगों को, दे आर एंजॉइंग इट, आई एम वेरी नाइस, एंड इन जनरल ऑल्सो इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। अभी उसका हाल ही में बर्थडे गया है, तो या इट वॉज अ लॉट ऑफ केक्स। रोल्स आपके काफी अलग है कबीर सिंह और यहाँ पे, कैसा रहा है वो? इनफैक्ट मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस बात को, मैं बहुत ही यू नो बहुत ही सटली चीज़ों को प्ले करता हूँ, एंड टू बी एबल टू प्ले समथिंग दैट इज़ अ लॉट यंगर, मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा है। मुझे अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा है इसके लिए, लाउड होना पड़ा है मुझे इसके लिए, बिकॉज ही इज़ यंग, ही इज़ वाइब्रेंट, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ये बातें इधर से हो रही हैं इधर से हो रही हैं, वो काम और कलेक्टेड नहीं है, वो लेड बैक है, उसके मुँह से जो निकल रहा है वो निकल रहा है, रिस्पेक्टफुल है, फ्लर्टेशियस है, दैट्स इट, बट अच्छा है, आई एम आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड आई एम गेटिंग टू लर्न सो मच, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लास्टली मैसेज टू व्यूअर्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखते रहिए, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ आ रहा है ऑन द गो। आई एम ग्लैड सबको हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, सबको हमारी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है मेरी और कुकी की, और मेरा जो बैंटर अनुराग के साथ जो चलता है वो भी सबको पसंद आ रहा है, वेरी हैप्पी अबाउट इट, देयर इज अ लॉट मोर टू कम, सो वॉच आउट। हाय, माय नेम इज कुणाल ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम्स हिंदी पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो सब्सक्राइब करें। आशिमा चावड़ा, कैमरा पर्सन बाबा जी, इंडिया फोरम्स, मुंबई।